हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ शी वॉज प्रिटी कोरियन ड्रामा सीरीज की एपिसोड नंबर 11 को। तो अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, एपिसोड नंबर 11 ये इस तरह स्टार्ट होती है कि सियोंग जून होटल में मीटिंग के बाद वहाँ हारी के बेस्ट होटेलियर के लगे हुए अवार्ड्स को देख लेता है। तो इस तरह उसे पता चल जाता है कि इस लड़की का नाम तो हारी है। फिर वो उसके पास आकर कहता है कि तुम कौन हो? मिस मिनहारी, क्यों तुम हाइजन बनकर मुझसे मिलती रही हो? हारी उसका हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सियोंग जून गुस्से में था। तो हारी बताती है कि मैं हाइजन की फ्रेंड हूँ, आज तुम्हें सब कुछ सच सच बताने वाली थी। लेकिन सियोंग जून को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहता है कि असली हाइजन वही है ना जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। हारी हाँ कहकर कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन सियोंग जून वहाँ से चला जाता है। और फिर उसे हारी के बारिश में फ्रिजी हेयर, सिग्नल पर इट्स अ गो कहना और फिर उसका छाता बनना, ये सारा कुछ याद आने लगता है। वो रोने लग जाता है कि मेरा प्यार मेरे सामने एक हिडन पिक्चर बनकर रह गया था। दूसरी तरफ किमशिन हाइजन से उसकी लास्ट ग्रांटेड विश मांगने लगता है और वो उसे कहता है कि अगर सियोंग जून के पास तुम नहीं जा सकती तो मेरे पास आ जाओ, मुझे एक मौका दे कर तो देखो, और वो उसे ना कर देती है। इतने में उसे सियोंग जून की कॉल आती है और वो उसे अभी के अभी मिलना चाहता था, अपनी बचपन की फ्रेंड को पहचान चुका था। किमशिन अपने आंसू छुपाकर कहता है कि प्लीज मत जाओ जैक्सन, लेकिन हाइजन उसे सॉरी कहती है और वहां से चली जाती है। और फिर सियोंग जून उसे एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मिलता है और फिर कहता है कि देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया हाइजन, तुम बताओ तुम क्यों छुपी थी? और फिर उसे सॉरी करने लगता है कि मैं तुम्हें कैसे ना पहचान पाया जबकि तुम मेरे सामने ही थी, मैं कितना इडियट बना रहा था। फिर वो दोनों वॉक करने लगते हैं और काफ़ी खुश नज़र आते हैं। और अपने छुप जाने पर एक तो शर्मिंदा थी और दूसरा उसको ना पहचान पाने पर शर्मिंदा था, लेकिन फाइनली अब सारा कुछ ठीक हो गया था। फिर सियोंग जून उसे कहता है कि तुम जैसी भी थी, जैसी भी दिखती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, और जो भी हो गया है अब उसे भूल जाओ, हम एक नया स्टार्ट करेंगे। अब हाइजन को पता चल गया था कि हारी को कुछ भी एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिल पाया, सियोंग जून पहले ही सारा कुछ जान गया था। और अब हारी उसे अवॉइड करके बाहर चली जाती है और हाइजन उसके रूम में जाकर एक फटा हुआ लेटर देखती है तो जोड़ कर पढ़ने लगती है। ये पढ़कर उसे आइडिया हो जाता है कि हारी सियोंग जून की तरफ कितनी सीरियस थी और अब अपने प्यार और फ्रेंड दोनों के सामने शर्मिंदा थी। तो हाइजन फौरन से उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और वो करीब ही एक जगह पर हारी को बैठकर जोर जोर से रोते हुए देखती है तो उसे आइडिया हो जाता है कि हारी कितनी हर्ट है। फिर अगली सुबह भी हारी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करती रहती है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन हाइजन उसे अच्छे से जानती थी और ये जानती थी कि ये सब एक्टिंग कर रही है। आज सियोंग जून सुबह ही सुबह बहुत खुश था, बिल्कुल जैसे वो हवाओं में हो, जबकि किमशिन को देखकर लग रहा था कि वो सदियों का बीमार पड़ा है। अब हाइजन और सियोंग जून सुबह ही सुबह मिलते हैं तो सियोंग जून बिल्कुल नेचुरल था, लेकिन हाइजन ऐसे नाटक करने लगती है कि जैसे उसके दिल में सियोंग जून की कोई स्पेशल जगह है ही नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पुराना क्लासमेट है। इवन कि ये भी कह देती है कि तुम्हें मिलने के बाद अब मैं पुराने क्लासमेट से भी मिलना चाहती हूँ। तो सियोंग जून को ये सारा कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था और वो उसे अकेले में ले जाकर उससे बात करने की कोशिश करने लगता है कि तुम्हें रातों रात क्या हो गया है, मैं सिर्फ एक क्लासमेट हूँ बस, क्यों धोखा दे रही हो खुद को भी और मुझे भी। तो हाइजन दिल में सोचती है कि क्योंकि हारी तुमसे प्यार करती है, और फिर कहती है कि ये बचपन का प्यार, फर्स्ट लव, ये सब ओल्ड फैशन बातें हैं और इनको दिल पर ना लेना। तो सियोंग जून कहता है कि ये सब कह के तुम अब मुझे हर्ट कर रही हो, बस मुझे वजह बताओ तुम क्यों कर रही हो ऐसे। लेकिन जब कोई भी जवाब नहीं आता तो सियोंग जून वहाँ से वापस चला जाता है।
फिर जब हाज उनको किमशिन मिलता है तो वो उसे कुछ पैसे देती है कि तुम्हारा मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ था ना, ये हॉस्पिटल बिल्स की कंपनसेशन है। लेकिन किमशिन हंस कर वो वापस कर देता है। यह हाजिन अजीब अजीब सी गलतियां कर रही थी। उन दोनों को इकट्ठे देखकर एक कोलीग हाजिन से आकर कहता है कि मुझे लगता था कि तुम दोनों प्यार करते हो, बहुत क्लोज लगते थे एक दूसरे के, लेकिन अब कुछ दूर दूर लग रहे हो, बुझे बुझे, क्या बात है। ये सारी बातें सियांग जून भी सुन लेता है और उसे सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो सोचने लगता है कि कहीं हाजिन किमशिन की वजह से तो मुझसे दूर नहीं जा रही। और फिर जब हाजिन उसके ऑफिस में आती है तो वो उससे बिल्कुल एक कोलीग की तरह, बल्कि एक बॉस की तरह बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे रोक कर कहता है कि हाजिन, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्लासमेट या कोलीग होना, ये सारा नाटक करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मुझसे नहीं हो पा रहा। घर वापस जाते हुए हाजिन हारी को एक डेट पर जाने का नाटक करते हुए देखती है तो उसे रोक लेती है और उससे बात करने लगती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कल रात रोते हुए देख लिया था, तुम क्यों नहीं मुझसे शेयर करती। तो हारी कहती है, तुम्हें जब सारा कुछ पता चल गया था तो तुमने मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं किया, तुम मुझसे लड़ी ही नहीं, मुझे बुरा भला कहती। तो हाजिन कहती है कि मुझे तुम पर गुस्सा तो बहुत था, लेकिन सियांग जून वाली बात पर नहीं, क्योंकि ये सारा मैस मैंने ही क्रिएट किया है, लेकिन तुम जो अब मुझे अवॉइड कर रही हो, इस बात पर मुझे गुस्सा आ रहा है। तो हारी उसे कहती है कि बस अब सारा कुछ खत्म हो गया और वो घर छोड़ कर जाने लगती है। तो हाजिन उसे कहती है कि नहीं, तुम नहीं जाओ, मैं जाऊंगी, क्योंकि ये घर तुम्हारा है। फिर जब रात को हाजिन अपने पेरेंट्स के घर पहुंचती है तो उसे लेट नाइट देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यकीनन इसकी हारी से कोई लड़ाई हुई है। दूसरी तरफ सियांग जून बहुत ज़्यादा अपसेट था तो वो हाजिन को कॉल करता है कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। जबकि सियांग जून को हाजिन अपने घर पे देखती है तो एकदम से हैरान रह जाती है। वो सारे लोग बिल्कुल एक फैमिली के जैसे उससे बचपन ही बातें कर रहे होते हैं। तो एकदम से डैड उससे पूछते हैं कि लड़के, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो सियांग जून कोई जवाब देता उससे पहले ही हाजिन कह देती है कि हम दोनों का ऐसा वैसा कोई रिलेशनशिप नहीं। जबकि सियांग जून कहता है नहीं, लेकिन हो ज़रूर सकता है। ये सुनकर मॉम डैड इतने खुश हो जाते हैं कि अपनी पुरानी वाइन निकाल कर सेलिब्रेट करने लगते हैं। इवन के डैड तो सियांग जून को दामाद ही कह देते हैं और सियांग जून हमेशा की तरह एक ही शॉट से टून हो जाता है। और फिर जब वो सोया होता है तो उसे सोते देख मॉम डैड उसके ऊपर बैठे देखते रहते हैं, हमारा दामाद कितना हैंडसम है। इतने में ऊपर से हाजिन आ जाती है और वो दोनों ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि चलो तुम दोनों इंजॉय करो। और फिर हाजिन हैरान थी कि ये कैसे मॉम डैड है मेरे। फिर वो बैठकर सियांग जून को प्यार से देखने लगती है और उसी टाइम पर वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ तुमसे एक बात करने के लिए आया था। फिर वो उससे सीधी सीधी बात करता है कि तुम ऐसा सब क्यों कर रही हो, क्यों मुझसे दूर होना चाहती हो, वो भी बिना बताए। अगर ऐसा करोगी तो मैं भी इसी तरह की उल्टी सीधी हरकतें करता रहूँगा। तो हाजिन कहती है कि वो सब बचपन का प्यार था, अब हम बड़े हो गए हैं। तो सियांग जून कहता है कि हाजिन, मुझे तब भी तुमसे ही प्यार हो गया था जब मुझे पता भी नहीं था कि तुम ही मेरी हाजिन हो, मेरी बचपन की फ्रेंड। तो ये सुनकर हाजिन उसे सारा कुछ सच बता देती है कि हारी तुमसे प्यार करती है और वो बिल्कुल एक फैमिली की तरह मुझे प्यारी है और उसे ये सब देख कर बहुत तकलीफ पहुँचेगी। तो सियांग जून कहता है कि हाजिन, मुझे कल भी तुमसे प्यार था और आज भी तुमसे है, मैं किसी और को नहीं, तुम्हारी जगह किसी को भी नहीं दे सकता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे नजरें मत फेरो। और मुझे खुशी है कि तुम बचपन में जितना सुंदर दिल रखती थी आज भी बिल्कुल वैसी ही हो। फिर अगले दिन ऑफिस में ये बातें चल रही थी कि किमशिन उनकी मैगजीन छोड़कर दूसरी मैगजीन न्यू लुक में जा रहा है, लेकिन किमशिन किसी को भी सीधा जवाब नहीं देता। बाद में हाजिन जाकर पूछती है तो वो कहता है कि मैं जा ज़रूर रहा हूँ, लेकिन कहाँ ये मुझे भी नहीं पता। आज ऑफिस में सारे लोग पार्टी पर जाने वाले थे क्योंकि उनकी मैगजीन इस महीने सेकंड आई थी, लेकिन सियांग जून बहुत परेशान था क्योंकि सेकंड नहीं फर्स्ट प्लेस होनी चाहिए थी, उनके पास एक लास्ट चांस बचा था।
दूसरी तरफ साइड स्टोरी चलती रहती है हारी की मॉम का। मुझे लगा था कि उनकी डेथ हो गई है, लेकिन एक्चुअली उसकी मॉम ने डैड की बेवफाई की वजह से ये देश छोड़ दिया था और अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनकर वापस लौटी थी। अब वो हारी से मिलना चाहती थी, लेकिन हारी नहीं मिलती थी। वो बार बार मैसेज करती है तो हारी उनसे मिलने के लिए मान ही जाती है। उधर ऑफिस में हाइजिन छुट्टी पर जाने से पहले सियोंग जून को देखती है तो वो उसे अपने साथ चाय पीने को इनवाइट करता है। हाइजिन को अंदाज़ा था कि ये मैगज़ीन सेल्स को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन सियोंग जून कहता है कि अगर तुम मुझे एक हक करने दो तो मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल जाएगी। हाइजिन इस बात को मजाक समझ लेती है। बाद में सियोंग जून किमशिन का एड्रेस निकाल कर उससे मिलने के लिए जाता है क्योंकि वो आज ऑफिस नहीं आया था। सियोंग जून उससे बात करता है कि दी मोस्ट मैगज़ीन बंद होने वाली है, अगर इसको बचाना है तो मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम स्किल्ड हो, इस टाइम पर छोड़ गए तो कंपनी के लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी। लेकिन किमशिन उसे कोई भी सीधा जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ अगले दिन हम देखते हैं कि दोबारा से किमशिन ऑफिस नहीं आता तो हाइजिन को बहुत ही परेशानी होने लगती है। वो उसे बार बार कॉल करती है लेकिन उससे कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। फिर वो हारी की तरफ जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि हारी सारा कुछ छोड़ के अपनी मॉम के साथ अब जापान जाने वाली है। वो परेशान हो जाती है, किमशिन नहीं मिल रहा था और ना ही हारी। वो उन दोनों को ढूंढने लगती है और फिर हर्ट होकर बीच रास्ते में बैठ कर रोने लग जाती है कि हारी मुझे इस तरह क्यों छोड़ गई हो तुम। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड नंबर 11 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।